matter, sir. I'm going to solve a question from O levels October November 2023, paper 1-2. And this is the in continuity of question number 15, part B. The question is very important. This is related to a non-linear sequence in which you have to find the nth term of the sequence. आपको इसका nth term find करना है. तो अगर आप देखें तो एक non-linear sequence है. अगर आप first difference निकालें तो 3 to 9. अगर आप difference निकालें 9 minus 3 तो वो 6 होता है. और next है 9 and 19. तो अगर आप difference निकालें 19 minus 9, इसको हम first difference कहते हैं, ये 10 है. 33 और 19, इसमें आप जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये 14 निकलेगा. इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखें 51 में से 33 माइनस करें तो ये 18 निकलेगा. तो अगर आप देखें लीनियर सीक्वेंस के अंदर आपका जो फर्स्ट डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है. ठीक, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, 6, 10, 14, 18. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड डिफरेंस निकाल के देखें. तो अगर हम सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे तो ये 4 है, फिर ये 4 है, मतलब 10 और 14 में 4 का डिफरेंस है, 14 और 18 में 4 का डिफरेंस है. तो जो सेकंड डिफरेंस आप यहाँ पे कर रहे हैं, सेकंड डिफरेंस, दिस इज योर सेकंड डिफरेंस, ये कांस्टेंट है. अगर आपका सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट हो, यानी सेम आ रहा हो, तो वो आपके पास एक जो उसका एक्सप्रेशन बनेगा, वो जो आपका nth टर्म बनेगा, वो आपके क्वाड्रेटिक उस एक्सप्रेशन में आएगा. अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है, 3, 9, 19, 33, 51, और कहा यह गया है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस. आपने nth टर्म का एक्सप्रेशन निकालना है 3, 9, 19, 33, 51. इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जगह ज़्यादा चाहिए. सो 3, 9, 19, 33, 51, ये आपकी टर्म्स है सीक्वेंस की. nth टर्म आपने इसकी डिटरमिन करनी है. तो जब भी मैंने जिस तरह आपको मैं एक्सप्लेन किया कि आपके पास सेकंड डिफरेंस एम आ रहा था, तो उस केस में आपका जो nth टर्म है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस तरह आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस तरह हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन प्लस सी. इस तरह से आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास ये. अब हम इसमें बेसिकली nth टर्म फाइंड करने लगे हैं. उसके लिए आपको क्या करना है, nth टर्म फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म विच इज 3, सेकेंड टर्म विच इज 9, थर्ड टर्म विच इज 19. हम इस इक्वेशन में टर्म नंबर 1 पुट करेंगे. स्टार्ट करते हैं, पुट एन इज इक्वल टू 1, एन को आप 1 पुट करें इन द अबव इक्वेशन इसके अंदर. तो जब एन को 1 पुट करेंगे तो एन की जगह 1 आ गया, तो ये फर्स्ट टर्म है. ए 1 इज इक्वल टू एन की जगह 1 का स्क्वेयर, बी एन की जगह 1, सी. अगर आप बात देखें ए 1 की, तो टर्म नंबर 1 3 है. ए 1 इज 3 इज इक्वल टू ए 1 का स्क्वेयर, तो 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वेयर 1 होगा, तो इसलिए यहाँ ए ही आएगा, प्लस बी इंटू 1 बी प्लस सी. इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास. अब आप एन की जगह पुट करें 2 इन दिस इक्वेशन, ये जो आपकी इक्वेशन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आपके पास है, एन को 2 पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, ए 2 एन की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूँ इज इक्वल टू ए एन की जगह 2, क्योंकि हम सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं, एन का स्क्वेयर है यहाँ पे. अगर यहाँ एन का स्क्वेयर है तो 2 का स्क्वेयर होगा, प्लस बी एन एन की जगह आप 2 पुट करेंगे. ठीक है, अब हम सेकेंड टर्म एन को 2 यूज कर रहे हैं. ठीक है, सी. अब ए 2 ये जो आपके पास है सेकेंड टर्म, ये 9 है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वेयर 4 होता है, तो ये 4 ए हो जाएगा, ये 2 भी हो जाएगा, ये सी. इक्वेशन नंबर 2 आपने जब एन को 2 पुट किया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई. जब एन 1 था तो इक्वेशन नंबर 1 आई. अब एन को पुट करें आप, जब आप एन को 3 पुट करेंगे, सॉरी, तो हम देखते हैं आपकी ये वाली इक्वेशन किस तरह से बदलती है. तो एन की जगह 3 पुट करें,
ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 पुट किया, इज इक्वल टू ए एन की जगह 3 का स्क्वेयर प्लस बी एन की जगह 3 प्लस सी। तो ए 3 टर्म नंबर 3 अगर हम देखें तो वो 19 है इस सीक्वेंस में। 19 इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ, 9 ए प्लस 3 बी प्लस सी। ये 3 इक्वेशन आ गई आपके पास। अब आपके पास 3 इक्वेशन, आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है और 3 ही अननोन है, 3 इक्वेशन 3 अननोन। तो हम इनको साइमल्टेनियसली करते हैं, मतलब पहले तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप देखें, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन। तो इसमें से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी। ए विल बी इक्वल टू 3 माइनस बी माइनस सी। मैंने क्या किया, ये बी और सी इन दोनों को मैं उस तरफ ले गया, यहाँ 3 में से माइनस हो जाएंगे ये दोनों जाके, तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ए आपके पास आ गया। नो दिस ए शुड बी सब्सटीट्यूटेड पुट इन इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है और 3 है, इसमें जहाँ जहाँ पे ए है आपके पास, वहाँ वहाँ पे मैं ए को रिप्लेस कर दूंगा 3 माइनस बी माइनस सी से, ये यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम जरा जाते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, देखते हैं किस तरह से वो चेंज होगी। इक्वेशन 2 आपके पास ये लिखी हुई है, ये दिस वन 9 इज इक्वल टू 4 ए प्लस 2 बी प्लस सी। 9 इज इक्वल टू 4 ए प्लस 2 बी प्लस सी। यहाँ पे ए की जगह मैं ऊपर वाली वैल्यू सब्सिट्यूट कर रहा हूँ, ए है 3 माइनस बी माइनस सी। ए की सब्सिट्यूशन, ये ए यहाँ पे आ गया, ये वाला वैल्यू यहाँ पे आ गया, प्लस 2 बी प्लस सी। 9 इज इक्वल टू द 4 इंटू 3 12 -4 बी -4 सी प्लस 2 बी प्लस सी। तो यहाँ से आ जाएगा 9। अच्छा इस तरह करते हैं, इसको यहाँ ला के माइनस कर देते हैं, ये 12 वहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा 9 माइनस 12। सो -4 बी और +2 बी, ये देखिए -4 बी प्लस 2 बी -2 बी, -4 सी प्लस 3 -3 सी। तो आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो है -3 इज इक्वल टू -2 बी -3 सी। और इसमें हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी, तो आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगी 3 इज इक्वल टू 2 बी प्लस 3 सी। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 की एक फॉर्म आ गई। अब हम यही काम करते हैं, पुट ए इज इक्वल टू, जो ए की वैल्यू थी 3 माइनस बी माइनस सी इन इक्वेशन नंबर 3। 3 में पुट करें, इक्वेशन 3 आपके सामने ऊपर लिखी हुई है, 19 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन 3, 9 ए की जगह होगा 3 माइनस बी माइनस सी प्लस 3 बी 3 बी प्लस सी। तो 19 इज इक्वल टू 9 इंटू 3 27 -9 बी -9 सी प्लस 3 बी प्लस सी। 27 ये आके माइनस कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा -8। 19 माइनस 27 इज -8 इज इक्वल टू -9 बी प्लस 3 बी, ये -6 बी हो जाएगा, और -9 सी प्लस सी इज -8 सी। ये आपके पास एक इक्वेशन नई आ गई। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, दिस वन एंड दिस वन, हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को, इसको मैं 4 का नाम दे देता हूँ, इसको 5 का नाम देता हूँ, ए बी सी की वैल्यू निकलने वाली है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, हमें यहाँ पे अब एलिमिनेशन करनी है, मल्टीप्लाई बाय 3। रीजन क्या है, यहाँ बी के साथ -6 है, यहाँ बी के साथ 2 है, तो मैं बेसिकली बी के जो कोफिशिएंट है वो सेम करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ यहाँ भी 6 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे -6 है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे,
जिसका साइमल्टेनियस इक्वेशन करते हैं, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ही हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 6b+9c। आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ, तो आपका रिजल्ट ये आ गया। उस इक्वेशन को नीचे लाएं, इसके नीचे लिखें -8 इज इक्वल टू -6b-8c। अब आप देखेंगे ये 6b कैंसिल हो गया, 9 - 8 1 होता है, 9c-8c 1c होता है, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 1। जब c आ गया तो फिर बहुत आसान हो जाता है काम। इस इक्वेशन को यहाँ लिखें 3 इज इक्वल टू 2b+3c, c की जगह आप पुट कर दें 1, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2b+3c की जगह 1, तो 3 × 1 3 होगा, तो चलिए लिख देते हैं इज इक्वल टू 2b+3। ये 3 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 3 - 3 इज इक्वल टू 2b, तो 0 इज इक्वल टू 2b, तो b हो जाएगा 0/2 विच इज 0। आपके पास b भी आ गया, c भी आ गया, अब आप a निकाल सकते हैं। ये आपके पास जो इक्वेशन थी इससे हम a निकालते हैं, a वॉज इक्वल टू 3 - b - c। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 3 - b - c। यहाँ पे लिखें a इज इक्वल टू 3 - b - c, b की जगह हम पुट करेंगे 0, c की जगह 1, a इज इक्वल टू 3 - 0 - 1, तो a आपके पास आ गया 2। ये a बी c की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। वापस हम जाएंगे अपने इसमें जो आपको nth टर्म फाइंड करना था, तो इसको नीचे लिखे वैल्यू पुट कर दे, nth टर्म था an इज इक्वल टू an² + bn + c। अब यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, ये देखें तो 2n² b की वैल्यू 0 है, 0n, और c की वैल्यू क्या है 1, ये जो ऊपर हमने निकाली थी, ये c 1 निकला था, b 0 निकला था और a 2 निकला था। तो आपके पास जो nth टर्म इसकी है वो होगी 2n², ये तो कैंसिल हो गया, 0 × n = 0+1, ये आपका nth टर्म है इस सीक्वेंस का जो आपके पास ऊपर दिया गया। वेरीफाई भी कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये आपकी थर्ड टर्म है, इसमें n को 3 पुट करें और आंसर चेक करें, +1 9+1 18+1, ये देखें 19। इसी तरह आप और भी चेक कर सकते हैं, इस तरह आप ये अपने किसी भी नॉन लीनियर सीक्वेंस को, अगर हम n को 2 पुट कर दें कि 9 है ना, 9 ये सेकंड टर्म है, n को 2 पुट कर लें इसके अंदर, अगर n को 2 पुट करता हूँ तो n की जगह 2 आ जाएगा, तो ये देखें ना 2 × 4+1 8+1, ये देखें आप वेरीफाई कर सकते हैं आपका सीक्वेंस ठीक है नहीं है। सो दिस इज द सॉल्यूशन, आप किस तरह से एक नॉन लीनियर सीक्वेंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।